पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंचायत भवन में हिंदू युवा सेना की ओर से आयोजित धर्म संसद में हरिद्वार से आए भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युत्यानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि जब तक राजनीति होती रहेगी तब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा। जैसे ही मंदिर को लेकर राजनीति बंद होगी वैसे ही मंदिर बन जाएगा। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी साधु संतों पर छोड़ देनी चाहिए। पंचायत भवन में आयोजित धर्म संसद में अच्युत्यानंद स्वामी ने 2019 के लोकसभा चुनाव पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से हम साधु संतों का कोई मतलब नहीं है। जो संत राजनीति कर रहे हैं वो धर्म गुरु नहीं है। गाय धर्म गुरु और किसान का आधार है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। जूना अखाड़ा की धर्म गुरु मुनीश्वर गिरी ने कहा कि पुराने समय में अफगानिस्तान तक भारत फैला हुआ था, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार किया गया जिसकी वजह से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए। स्वामी आशीष आनंद ने कहा कि दोबारा प्रधानमंत्री अमेरिका का हितेशी नहीं बल्कि भारतीयता को अपनाने वाला बनाया जाएगा। उसे अमेरिका का मोह छोड़कर हमारी शक्ति को पहचानना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिद्वार से आए प्रेमानंद स्वामी ने की। इस दौरान महामंडलेश्वर डॉक्टर विवेकानंद स्वामी, स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष चेतनानंद सरस्वती, हिंदू युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंश चैतन्य महाराज, राष्ट्रीय संरक्षक यति कृष्णानंद, परविंद्र आचार्य, संजीव एकल, रवि सैनी आदि लोग मौजूद रहे। जनसंख्या नियंत्रण में महाराज जी बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा विस्तार से महाराज जी बताएंगे। और आतंकवाद, नस्कलवाद और सबसे ज्यादा बात है वो है जातिवाद। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, संतों के सामने कसम खानी पड़ेगी कि घर से बाहर निकलेंगे तो एक ही नाम होगा, एक ही नारा होगा, वो केवल हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदुत्व होगा। जाति का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा यकीन है। हमारे हाथ में सब मुस्लिमों को एक दे दिया, SC ST Act जातियों में बांट दिया। सबसे अनुरोध है, हिंदू युवा सेना का सर्वप्रथम एक प्रयास है कि जातियों में ना बटकर हिंदू एकता और समरसता में रहे। अगर हिंदू बटेगा तो फिर देश बट जाएगा, इतना ध्यान रख लो। हम पाकिस्तान को आज लड़वा सकते हैं लेकिन एक पाकिस्तान हर जिले में तैयार हो गया है, उससे कौन लड़ेगा बताओ मेरे साथियों, मेरे बताओ मित्रों, उससे कौन लड़ेगा? आप लोग डरते हैं, दहशत मानते हैं, प्रशासन आपको उत्पीड़न करता है क्योंकि वो 100 इकट्ठे होते जाते हैं और आप अकेले जाते हैं। धर्म संसद बुलाने का मतलब इस बात का है कि आप लोग जागृत हों। संत चरण इतनी दूर दूर से आ गए, मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करा पाएंगे और निकल लेंगे। ये भंडारा पाने वाले नहीं है, ये क्रांतिकारी संत है। मैं यति नरसिंहानंद जी से एक बात से बहुत प्रेम करता हूँ, यशवीर जी महाराज हैं कि मुजफ्फर, उनके ऊपर NIA लगा दी, राष्ट्रपति लगा दी। हमारे किसी हिंदू संगठन, किसी समाजवादी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। मुझे पूज्य महाराज ने जाके वहां धरना दिया और अपना ज्ञापन दिया और अच्छे कट्टर हिंदू वासी ने महाराज जी को नमन करता हूँ। समाज में जब संतों के सिंहासन निकलने लगे, जब संतों का सहन छोड़ करके जब वो आपके मार्गदर्शन के लिए निकल ले तो समझ लेना आपका देश खतरे में है और हिंदू खतरे में है और हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में है। भाइयों, मेरी बात आपको बहुत ज्यादा विचार से सोचनी पड़ेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।